हाँ जी दोस्तों, स्वागत है तुहाडा सवेर दीआं मुख खबरां दे विच। आओ लड़ीवार गल करदे आं पंजाब ते दुनिया दीआं मुख बड़ियां खबरां दी। वीडियो शुरू करन तों पहलां लाइक ते शेयर जरूर कर दिओ ते साडे नाल जुड़े रहण लई चैनल नूं सबसक्राइब कर लो। तां अज दी पहली बड़ी खबर, ब्रिटेन दे विच 1 जून तों खुल्लणगे स्कूल, बोरिस जॉनसन। तां दोस्तों ब्रिटेन विच फैली कोविड-19 महामारी दे विच प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने एक महत्वपूर्ण ऐलान किया। तुहानू दस दिए कि जॉनसन ने कहा कि प्राइमरी स्कूल दीआं क्लासां 1 जून तो शुरू हो जाणगीआं, नाल ही 15 जून तो शुरू होण वाली प्रीख्या नूं भी ध्यान विच रखदे होए सैकेंडरी विद्यार्थियों लई कुछ कंटेंट शुरू किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जिहे दूजे देशों विच भी किया गया ते उस तरह विद्यार्थियों नूं वापस क्लासां विच भेजना शुरू करन दी लोड़ है। उन्होंने साफ किया कि सरकार यूनियनस ते हैड टीचर्स नाल इस संबंधी राय लैंदी रहेगी। अगली खबर, अज फिर बरी आसमान तो अग, अगले दिन ही इन्हां सूबियां विच मिलेगी राहत। तां दोस्तों मौसम विभाग का अनुमान है कि 29 ते 30 मई नूं उत्तरी भारत के कुछ सूबियां विच धूड़ धक्कड़ अते मीह पै सकदा है, जिस कारण तापमान विच कुछ गिरावट आउण दी उम्मीद है। इस नाल लोकां नूं भयानक गर्मी तो कुछ राहत मिलेगी। अगली खबर, पिछले 24 घंटिया च सामने आए 6535 नवे मामले, हुण तक 4167 लोगों की मौत। तो दोस्तों देश में कोरोना वायरस के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। अज संक्रमित मरीजों की गिनती 1,45,380 तक पहुँच गई है। देश में पिछले 24 घंटों में संक्रमित मरीजों ने 6535 नवे केस सामने आए हैं। हालांकि अज नवे केसों में कुछ गिरावट दर्ज की गई है, उत्थे ही पिछले 24 घंटों में 146 लोगों की मौत भी हुई है। अगली खबर, पंजाब अज आए 25 नवे मामले, कुल गिनती 2100 तो पार। तो दोस्तों पंजाब विच अज कोरोना वायरस के 25 नवे केस सामने आए हैं। पिछले कुछ दिनों तो कोविड-19 के मामलों नूं थोड़ी रोक लगी सी, जिस नाल सेहत विभाग ते प्रशासन ने राहत का सांह लिया सी। पर अज 25 नवे मामले सामने आउण नाल एक बार फिर प्रशासन दीआं मुश्किलां वधदीआं नज़र आ रही ने। पंजाब दे कोरोना वायरस मरीजों का अंकड़ा 2106 हो गया, पर राहत भरी खबर यह है कि सिर्फ 148 केस ही एक्टिव ने, जिन्हां विच 1918 मरीज सेहतयाब भी हुए ने। अगली खबर, तनखाहां च कटौती मामले उपर सरकार तुरंत कार्रवाई करे सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के 29 मार्च के नोटिफिकेशन नूं चुनौती देने वाली पटीशन विच नुकत्या ते तुरंत कार्रवाई करे। पटीशन विच निजी अदारियां नूं कोविड-19 तालाबंदी दौरान कर्मचारियों नूं पूरी तनखाह अदा करन दी मंग कीती गई सी। जस्टिस अशोक भूषण ने अगवाई वाले बैंच दे वीडियो कॉन्फ्रेंस राही सुनवाई करदे हुए सरकार नूं पटीशन ते अपना जवाब दायर करन लई कहा अते मामले की सुनवाई अगले हफ्ते पा दित्ती है। अगली खबर, CISF च कोरोना दे 20 नवे मामले। तां दोस्तों केंद्रीय उद्योगिक सुरक्षा बल विच कोरोना वायरस के 20 ताज़ा मामले सामने आए हैं। इन्हां विच 18 उस यूनिट दे ने जो दिल्ली हवाई अड्डे विच तैनात है। फोर्स के हुण तक 20 ताज़ा मामले सामने आउण नाल, जिस विच 18 नवी दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्री हवाई अड्डे ते राखी करदे ने, जदों कि 1 केस हिमाचल प्रदेश के NTPC कोल्डम यूनिट अते चंडीगढ़ विचले पंजाब अते हरियाणा सकत्तरेत विचों मिलिया। अगली खबर, 28 मई मगरों गर्मी तो मिल सकती है राहत। तो दोस्तों उत्तरी भारत के कई हिस्सों में 29 ते 30 मई में धूड़ भरी हनेरी चलण की संभावना है, जिस नाल तिखी गर्मी तो राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब अते उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बीते कुछ दिनों तो भयानक गर्मी पै रही है ते कुछ थावां ते तापमान 45 डिग्री सैलसीयस तो भी वध गया। मौसम विभाग ने एतवार को उत्तरी भारत लई 25-26 मई में लाल चेतावनी जारी की सी। खेतरी मौसम विभाग के मुखी कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा कि पछमी गड़बड़ अते तेज़ हवावां कारण 29 ते 30 मई में दिल्ली, हरियाणा ते उत्तर प्रदेश में धूड़ भरी हनेरी चलण अते बारिश की भी संभावना। अगली खबर, अमरीका च कोरोना वायरस कारण मरण वालों की गिनती 1,00,000 के पार। तो दोस्तों अमरीका में कोरोना वायरस के कारण होने वाली मौतों की गिनती अज 1,00,000 तो पार हो गई है। तुहानू दस दिए कि अमरीका में 23 अप्रैल में मौतों की गिनती 50,234 सी, जो कि अज हुण बढ़ के 1,40,000 तक पहुँच गई है। अगली खबर, 12वीं दीआं पेंडिंग प्रीख्यावां नूं लैके दुचित्ती च सूबे दे 3,00,000 प्रीख्यार्थी। तो दोस्तों कोरोना वायरस कारण मार्च च रोकियां गईयां 12वीं दीआं बोर्ड दीआं प्रीख्यावां नूं मुड़ शुरू करवाउण नूं लैके बेशक CBSE
ਅਤੇ ICSE ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਢਿੱਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ RBI ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੇਣਗੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਛੋਟ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਅਗਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 1 ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸਿੰਡਾ ਆਰਡਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1 ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਿਤ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 22 ਕੇਸ ਬਾਕੀ ਹਨ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ 1500 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ 21 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਿਰਫ 1 ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਘੰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿਓ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।